अगर हर छोटी मोटी दिक्कत के लिए अक्सर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसका जिंदगी पर बहुत बुरा असर हो सकता है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज्यादा या गलत इस्तेमाल की वजह से 1990 से 2021 के बीच लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नाम की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से साल 1990 से 2021 के बीच दुनिया भर में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है जब संक्रामक बैक्टीरिया और फंगस पर एंटीबायोटिक्स दवाओं का असर होना बंद हो जाता है। चिंता की बात यह है कि आने वाले दशकों में भी इसका खतरा बना हुआ है। स्टडी के मुताबिक अगले 25 साल में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से करीब 4 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। भारत के लिए ये इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि भविष्य में होने वाली मौत के आंकड़े में सबसे ज्यादा लोग दक्षिण एशिया से होंगे। साल 2025 से 2050 के बीच दक्षिण एशिया में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत होने का अंदेशा है। इसका ज्यादा असर 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों पर होने का अनुमान है। हालांकि रिसर्चर्स का मानना है कि हेल्थ सर्विस और एंटीबायोटिक दवाओं तक बेहतर एक्सेस हो तो 2050 तक करीब 9 करोड़ लोगों की जान बच सकती है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा, रोकथाम और नियंत्रण के उपाय अपनाना और नई एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुँच के जरिए लोगों को इस खतरे से बचाया जा सकता है।